कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सोनू और मेरी वाइफ वंदना। हाय फ्रेंड्स, होप एवरीबॉडी इज गुड। सो दोस्तों, फ्रेंड्स ने काफी बोला कि भाई अपने होम टूर की एक वीडियो भी अपलोड कर दो, तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर की वीडियो डालने के लिए। तो दोस्तों होपफुली आपको बहुत पसंद आएगा, तो हम जल्दी से अपना हाउस टूर की अच्छी सी वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, ये है हमारे घर का फ्रंट का एरिया। हम लोग मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ये हमारा गैराज जो कि हमने एक ब्यूटी सैलून में कन्वर्ट कर दिया है, ये मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। ये है गार्डन। अब चलिए हम अंदर चलते हैं। ये है हमारी एंट्री। फ्रेंड्स, जो लाइटें हमने लगाई थी ये सब हमने दिवाली पर लगाई थी, तो अभी तक सब लगी हुई है। मन नहीं करता अच्छी डेकोरेशन को हटाने का। तो ये अब हमारी एंट्रेंस। ये है सिक्योरिटी डोर। वेलकम टू अवर हाउस। थैंक यू जी। सो फ्रेंड्स, सबका मन होता है कि अपना घर हो, और हमने मेलबर्न में आके ये अपना ड्रीम हाउस बनाया। सो एवरीवन वेलकम टू अवर हाउस। ये है द एंट्रेंस। वंदना जी, बंदर आ गए हैं, थोड़ा सा घर पे जरा दिखा दीजिए एंट्री में आपने क्या क्या डेकोरेट किया है, क्योंकि जो घर की डेकोरेशन है दोस्तों वो सारी वंदना जी ही करती हैं। तो ये है एंट्री हमारी, इसमें ये है। सबसे पहले आते ही गणेश जी के होने चाहिए दर्शन। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी आप कोई भी एंट्री करें, कोई भी घर से जाए, गणेश जी को धन्यवाद देते हुए निकले और धन्यवाद देते हुए आए। इसलिए छोटे छोटे हमने कैंडल स्टैंड रखे हैं, ब्यूटीफुल मिरर। मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ, आप चलिए इधर आइए। ये है मास्टर बेडरूम। सो वी लव येलो कलर, येलो इज माय फेवरेट कलर, और आई लाइक ग्रीन टू। सो आई मोस्टली जगह मैंने येलो और ग्रीन ऐड किया है। यू कैन सी कि इधर ग्रीनरी है, सो आई जस्ट ट्राई टू मैच येलो हियर, और उधर येलो है तो ग्रीन। ये है हमारी विंडो। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि आप आउटसाइड देख सकते हैं, बट इनसाइड बाहर के लोग नहीं देख सकते, और नाइट टाइम में आप ब्लॉक बंद कर सकते हैं इससे, तो इट्स मच इजी। कर्टन हमने इस रूम में इसलिए नहीं लगाए थे कि थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है कर्टन से, सो वी नीड ओपन बिग रूम। ये हमारी छोटी सी चेयर, किड्स लव दिस चेयर, रोलिंग चेयर, बच्चों को बहुत पसंद है। और दिस इज द बेस्ट प्लेस, माय लिटिल वन लव दिस वन। आइए मैं आपको दिखाती हूँ बाथरूम। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बाथरूम। यहाँ पे ये रियल प्लांट रखा है मैंने। ये है क्रीम, सोप और एयर फ्रेशनर। इट्स रियली गुड। सो और बिकॉज ऑफ बाथरूम तो थोड़ा सा टचअप दे दिया है सी से रिलेटेड। बिग मिरर लगाया, जब भी आप तैयार हो तो आपको बहुत इजी रहे। रूम लुक्स बिगर। हमने डोर यहाँ इसलिए नहीं लिया कि रूम थोड़ा खुला और बड़ा दिखता है। रियल प्लांट बहुत पसंद है। सो दिस इज अ रियल प्लांट, ग्रो कर रहा है बट स्लोली स्लोली बेटर। इधर है बाथरूम। ये हमारा जी शावर का एरिया है, और शावर के नेक्स्ट में जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर लोग अपने बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। ये है जी टॉयलेट। ठीक है जी, तो ये हमारा मेन बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। इसके अभी आगे ये है वॉक इन रो, जहां पर लिटिल बिट मेसी, बट वी शो यू लेटर नेक्स्ट वीडियो में। वी शो कपड़े वगैरह यहाँ पे रखते हैं। तो ये कॉर्नर बचा था, सो वी जस्ट ट्राई, हम लोग कुछ लगाना था। पहले मैंने प्लांट लगाया, बट देन आई ट्राई समथिंग डिफरेंट। लाइट्स है, तो जी हम अंदर को चलते हैं। एंट्री से हम लोग जा रहे हैं अंदर। अब एंट्री में ये दिस इज माय फेवरेट पेंटिंग।
वरना जी ने अभी अपग्रेड करी है थोड़ा टाइम पहले ही है। लव इट एंड फ्रीडम में ये वन ऑफ द बेस्ट थी। इफ यू लाइक जस्ट हैव अ गो, आपको सच में बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे ये चीज कंजेस्टेड हो जाए विद डार्क पेंटिंग, सो दैट्स व्हाई वी चूज द लाइट कलर हियर। और पैटर्न डिफरेंट है बट वर्क इज द सेम, पैटर्न इज द डिफरेंट, स्टाइल इज डिफरेंट। तो जैसे हम आगे को चलते हैं उसके बाद यहाँ पर एक हमारा आता है लिविंग एरिया, लिविंग वन। लिविंग एरिया है ये हमारा, और अभी यहाँ के कर्टन आने हैं फ्रेंड्स, वी वेटिंग। सो नेक्स्ट टाइम जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हमारे कर्टन आ जाएंगे, वॉल टू वॉल कर्टन हैं। और हर घर में कैंडल्स बहुत अच्छी लगती है, बट पर्सनली आई लव कैंडल्स, यू कैन सी एवरीवेयर कैंडल्स। रिसेंटली आई बाय दिस लाइट, दोस्तों इसके ठीक सामने जो लिविंग रूम है इसके ठीक सामने ही हमारा यहाँ पर है ये लॉन्ड्री का एरिया। इसमें जो है ड्रायर, वॉशिंग मशीन सब लगा हुआ है। ये है लेनन का एरिया, उसके बाहर जो भी अपना स्टोरेज है सामान वगैरह रखना है वो हम इस एरिया में यहाँ पे थोड़ा सामान रख लेते हैं इस लेनन में। और लॉन्ड्री के ही बगल में जो आप ये वाला डोर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सीधा गैराज की एक्सेस के लिए अंदर से। और ये हमारा ये सारी चाबियां घर की यहीं पर रहती हैं। तो दोस्तों जी एंट्री जब करते हैं तो ये हमारा अब आता है मेन लिविंग एरिया। और मेन लिविंग एरिया में स्टार्ट विद किचन। वंदना जी बताओ जी, ये आपकी जगह है जहाँ पर आप सबसे ज्यादा समय गुजारते हैं, तो आप बताइए अपनी किचन के बारे में। भाई यस, सो ये मेरा फेवरेट पार्ट है, आई लव ओवन, माय किड्स लव, ये है कुकिंग। आई एम नॉट अ बिग फैन बट आई ट्राई माय बेस्ट। व्हेन जब गेस्ट आते हैं तो मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बट नॉर्मली नॉट। फैन है, टाइमर है, ऑल गुड। दिस इज अ रियल प्लांट, अगेन कैंडल, आई लाइक इट। सो मैंने आज बनाई है सिंपल दाल जो आपको खानी पड़ेगी। ये छोटी सी डेकोरेशन है, इट्स फील फ्रेश एंड नाइस। तो बच्चे आएंगे तो दोनों एप्पल खाएंगे। ये हमारा यहाँ केटल रखी हुई गर्म पानी के लिए, सुबह सुबह अपना इसमें पानी गर्म करके हम लोग पी लेते हैं हनी के साथ। छोटा वाला जो है वो बहुत पसंद करता है हनी वाटर को। तो ये है अपना किचन का एरिया दोस्तों, ये रहा फ्रिज। दोस्तों ये जो फ्रिज है ये मेरी चॉइस का है, क्योंकि इस फ्रिज में जो मैंने मेरा फेवरेट ऑप्शन था वो ये है, इसमें आइस एंड वाटर सब इसी में ऑलरेडी पीछे से कनेक्टेड है। तो अगर हम चूज द वाटर स्ट्रेट फ्रॉम देयर एंड इट्स अ फिल्टर, क्यूब क्रश जैसी भी आइस चाहिए। तो एवरीथिंग लाइक कनेक्टेड एंड क्विक, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और इसका एक और इस किचन को लेने का एक और हमारा वो था, इसमें चॉइस थी कि जो हमारा सिंक है ये हमारा साइड में है, जो बीच में आइलैंड बेंच है वो ऑल एम्प्टी है, वहां पर बीच में सिंक नहीं है। तो ये एरिया हमारा थोड़ा ज्यादा वाइट एंड क्लीन लगता है। सिंक यहाँ पर है दोस्तों, ये रहा है डिश वॉशर, बर्तन इसमें रखे, वन डन। तो वन्ना जी के लिए थोड़ा कम काम है, बर्तन को कम मानने पड़ते हैं क्योंकि डिश वॉशर लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर लगा हुआ हमारा माइक्रोवेव, हम बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, माइक्रोवेव ज्यादा यूज नहीं करते। और गैस के साथ नीचे ओवन है, इसमें कभी कभी पिज्जा बच्चों के लिए बना लेते हैं लेकिन बहुत कम यूज होता है माइक्रो एंड ओवन, हमारे घर में बहुत कम यूज होता है। तो भाई ये है मेरी फेवरेट ट्रे, कोई आजकल जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है सो भाई हम लोगों ने यहाँ रखा है सैनिटाइजर। और ये है परफ्यूमिंग कैंडल, और ये है रियल प्लांट। रियल प्लांट बहुत इजी है मेंटेन करना, शायद हफ्ते में एक बार आपको पानी डालना, दैट्स इट। अगेन आई लव कैंडल्स। तो दोस्तों किचन के साथ साइड में हमारी पेंट्री है जहाँ पर अपना हम स्टोरेज रखते हैं थोड़ा सा खाने का। और ऊपर हमने सबसे जो है थोड़ा सा ऊपर की रैक में हमने मंदिर बनाया हुआ है। अभी हमारी प्लानिंग है कि मंदिर को हम बाहर स्थापित करेंगे यहाँ से हटा करके, बाकी थोड़ा सा खाने की स्टोरेज साइड में है। इधर हमारा मेन छोटा सा मंदिर है लेकिन बाहर स्थापित करेंगे बहुत जल्दी हम। तो हम पेंट्री से और किचन से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा आता है डाइनिंग का एरिया। यहाँ पर
आराम से सब लोग बैठ कर एक साथ खाना खा लेते हैं, और नॉर्मली चेयर हम लोग स्ट्रेट लगाते हैं, बट मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लगाई कि जो हमारा छोटा वाला है वो अभी 3 साल का, पूरे घर में दौड़ता भागता रहता, तो ये कॉर्नर्स वगैरह उसको ना लग जाए, इसके लिए हम मैंने जो है चेयर्स इसके जो कॉर्नर्स को हाइड करके लगा दी है। बट फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादातर ज़मीन पे खाना खाते हैं कि ट्राई कि बच्चे बैठ के खाना, ज़मीन पे बैठ के खाना खाना सीखें। ये है हमारा द बेस्ट पार्ट, जब आप यहाँ बैठते हैं, ग्रीनरी। अब शायद सब लोगों को ग्रीनरी पसंद है। देखिए, नींबू बहुत लगे हैं अभी इस बार, और मेरी फूलों की बेल भी ऊपर चढ़ गई है, सो लुक्स मोर नाइस और फ्रेश। अभी भी दिवाली की लाइटें लगी हैं, अगर आप देख सकते हैं तो, वो दिन रात जलती है। अभी मैं बाहर से जाके फिर दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद ये आता है हमारा रियल प्लांट एंड अगेन ये लिविंग एरिया है, लिविंग टू, और मेन लिविंग एरिया ये है। तो ये है हमारा यहाँ पर सोफा, ये है कॉफी टेबल, और उसके ऊपर ये मैंने एक मास्टरपीस रखा है चेस जैसा, और इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली हुई है, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और इसके नीचे एक और छोटा सा बुद्धा जी डेकोरेटिव पीस है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा लुक। फ्रेंड्स, नॉर्मली आपने देखा होगा कि लैंप डिफरेंट स्टाइल होते हैं, बट मुझे ये लैंप पर्सनली पसंद था। पति देव कह रहे थे सबके सर में लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वी लव इट एंड नाउ ही इज हैप्पी विद दिस लैंप। बीवी की बात तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल जी, और ये है हमारा यहाँ से टीवी का एरिया, ये हमारा है सैमसंग का 75 इंच का, और जो लिविंग वन में था वो सोनी का 65 इंच का था। तो ये हो गया पूरा हमारा लिविंग एरिया सर। अब आते हैं इधर, ये वाला जो है ये हमारा बच्चों का एरिया है, किड्स एक्टिविटी है बेसिकली ये, तो ताकि जो बच्चे आते हैं वो सब यहाँ पर बैठ कर उनके टॉयज वगैरह हम बाहर रख देते हैं, वो यहाँ पर खेलते रहते हैं। पेरेंट्स इसी किड्स एक्टिविटी के ठीक सामने जो यहाँ पर हम लोग बैठे होते हैं, तो बच्चों पर नज़र रखना भी थोड़ा आसान होता है, उनको देखते भी रहते हैं कि वो खेल रहे हैं, शैतानी तो नहीं कर रहे या एक दूसरे से लड़ तो नहीं रहे हैं, यहीं पर अपना सब टॉय बिछा कर खेलते रहते हैं। और ये है क्रिसमस ट्री हमने लगाया था, अभी लगा हुआ है, बच्चे पसंद कर रहे हैं, हमने कहा चलो कोई बात नहीं लगा रहे हैं ना, तो क्या हटाना इसको। और एक वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये विवान के कुछ अचीवमेंट्स हैं उसके टेनिस के, doing good in tennis, so hopefully ऐसा ही परफॉर्म करता रहे। This is सबसे इजी चीज, बच्चे यहाँ बैठ के फोन करते हैं, उन्हें लेटना है, फोन करना है, कुछ भी, इसीलिए मैं बड़े कुशन लाके मैंने यहाँ रखे हैं। They love it, they fight, और ये है सिटिंग एरिया। नई वीडियो में आपको नया सोफा मिलेगा, हम जल्दी दिखाएंगे आपको। कुछ चेंजेस हैं फ्रेंड्स अभी करने वाले, जैसे ये सोफा है और इस इधर भी थोड़ा, एक सोफे में थोड़ा चेंजेस करना है, और एक दो कर्टन और हैं वो भी हमारे अभी कंप्लीट होने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी क्लिप बना करके आपको दिखाएंगे। ये हमारी जो वॉल है, ये फोटो वॉल है बेसिकली, फैमिली फोटोज वॉल अभी कंप्लीट होनी है, इसमें अभी बहुत सारी फोटोज आने भी हैं, इन लॉज के फोटो आने हैं, मेरे पेरेंट्स के आने हैं, दादा दादी सबके, जितने हम पूरा फैमिली ट्री बेसिकली इसमें हम लोग दिखाएंगे कि हम जनरेशन, जहां तक हमें याद है कि वहां से जनरेशन स्टार्ट हो करके जनरेशन भी ट्राई हम लोग। ये छोटा वाला है, ये जस्ट 1.5 मंथ ओल्ड, ये बड़ा वाला है, लेकिन अभी दोनों बहुत बहुत लड़ते हैं। तो जी इसी एक्टिविटी के बिल्कुल जो नेक्स्ट में है, ये है विवान का रूम, ये हमने जो है स्काई ब्लू कलर में रखा है, क्योंकि विवान का फेवरेट कलर है ब्लू, वो उसकी कार है। वंदना जी थोड़ा सा आप बताएं डिटेल में, आप क्या क्या आपने डेकोरेट किया? उसे लाइट कलर और ब्लू कलर बहुत पसंद है, स्पेशली बर्ड, तो छोटी छोटी चिड़िया वाली है, आप देख सकते हैं छोटी सी डेकोरेशन यहाँ भी की है मैंने, यहाँ उसका नाम आना है विवान, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे अल्फाबेट मिल जाए, कुछ मिले हैं इधर, यू कैन सी लाइटों वाले, और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, ये उसकी वॉक इन रूम है, यहाँ पे उसके कपड़े रहते हैं, तो ये जैसे आप देख रहे हैं एन, ऐसे ही इसमें पूरा VIVAN हमें लेकर के पूरा यहाँ पर, तो उसके यहाँ पर डेकोरेट करना है। तो आप कुशन्स, इट्स रियली नाइस, आप हर रूम में डिफरेंट स्टाइल में देखेंगे कुशन, सो लुक्स मोर नाइस एंड मोर ब्यूटीफुल। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये उसका पिगी बॉक्स है, तो उसको हम सिखा भी रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सेविंग्स अपनी कैसे करते हैं, तो अपना जो सेविंग होती रहती है, पॉइंट्स दे देते हैं, वो अपना इसमें सेव करता रहता है।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये हो गया किच एक्टिविटी, लिविंग, किचन, एवरीथिंग कवर, ये हो गया। अब ये आता है हमारा यहाँ पर स्टडी एरिया। तो दोस्तों ये है स्टडी का एरिया, मेहमान यहाँ बैठ करके थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई कर लेता है। वैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा पढ़ाई लिखाई करो तो अच्छी बात है, ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना तो यहाँ पर सब इजीली उनको मतलब मैनेज होता है कि बड़े होकर वो कुछ ना कुछ काम उनको आराम से मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसका स्टडी एरिया यहाँ बैठ के पढ़ाई करता है वो अपनी। और उसका ये आई मैक यहाँ पे रखा हुआ है, अपने नाम से उसने रखा हुआ विवान। इसमें अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता है, थोड़ा बहुत खेल लेता है। इसके साथ ही हम आगे आते हैं यहाँ पर हमारा, ये अच्छा स्टडी के पीछे की वॉल है, सब देख रहे हैं। ये भी सब वन्ना जी ने ही डेकोरेट किया पूरे घर को, उन्हीं की चॉइस है सब ये। तो फ्रेंड जैसे हम स्टडी से आगे बढ़ते हैं, ये हमारे एक मास्टर बेडरूम हो गया, विवान का हो गया, उधर लिविंग, मेन लिविंग, किड्स एक्टिविटी। अब हमारे लास्ट के दो और कमरे हैं, तो ये है छोटे बेटे का कमरा। ये बेसिकली बनाया है हमने आर्विक के लिए, उसके हिसाब से थोड़ा सा डेकोरेट किया है जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉयज, टेडीज। वी लव दिस कलर, कलर एक्चुअली बहुत पसंद आया था, तो इसको जो है हमने वॉल पर पे उसके लिए कलर कर दिया। एक्चुअली मैंने पहले थ्रो खरीदा था, आई लव दिस थ्रो, उसके हिसाब से हम लोगों ने वॉल पे कलर कराया। So this is different, but हमें बहुत पसंद आया ये कलर। So friends, ये है guest room, hope so, guests love it. आप देख रहे हैं यहाँ कुछ different style में रखे हैं। ये painting मैंने इसके हिसाब से match करके ढूंढी थी, तो आप देख सकते हैं orange, bluish color and brown. So you can see मेरे cushions में भी और side ports में, ये मैं इंडिया से लेके आई थी। मुझे पता है बहुत हार्ड था, हस्बैंड बहुत चिल्लाए थे, बट मैं लेके आई थी फाइनली। लकीली टूटा नहीं था, बैग में आराम से आ गया था। और ये है कारपेट, ये भी कलरफुल है, लॉट्स ऑफ कलर, सो यू कैन मैच, इजीली मैच कर सकते हैं आप। ये दूल्हे वाली चुन्नी, सो वी ट्राई टू डेकोरेट हाउ मच। ये कमरे की अपनी है, कमरे की अपनी अलग अलग अलमारी है सब जगह पर। एंड मूव ऑन टू बाथरूम टू, सो बाथटब में छोटी छोटी चीजें रखी हैं, छोटे वाले को बहुत पसंद है, बट वो टच नहीं करता, अच्छी बात यह है। परफ्यूमिंग कैंडल, सो बाथ, और ये भी परफ्यूमिंग सोप है, ऑयल सोप है, ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी और फेमस सोप है। तो ये फील फ्रेश जब आप बाथरूम में होते हो। यहां मैंने सारा कलेक्शन रखा टॉवल्स का, इजी है, वो डर्टी हो जाए तो गेस्ट खुद ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ये। और ये एक हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है अलका जी, उन्होंने जब हमारा घर बना था हेल्प की थी, तो उन्होंने मुझे ये प्रेजेंट दिया और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने चेंज करती रहती हूँ। दोस्तों इसके साथ ही ये जो है स्पेशल टॉयलेट, टॉयलेट ट्यूब, तो इसमें अभी हम लोगों ने रिसेंटली थोड़ा सा ये चेंजेस किए हैं, अपना टिश्यू वगैरह सब ऊपर लगा करके, नीट एंड क्लीन विद फ्रेग्रेंस। तो दोस्तों ये है भी अंदर का हमारा पूरा जो है एरिया, और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जब भी कोरोना खत्म हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगे, पेरेंट्स हमारे आ जाएंगे, तो जो मास्टर बेडरूम दिखाया था हमने उसमें पेरेंट्स का सोचा कि वो वहां पर रहेंगे, ताकि उनके तो लिए हम लोग गेस्ट रूम में शिफ्ट, ताकि वो उनके लिए टॉयलेट वहां पर अटैच है, सब कुछ बिल्कुल उसी रूम में है, तो उनको ज़्यादा चलना ना पड़े, उनके लिए कन्वीनियंट रहे, और हम लोग इस रूम में अपना आ जाया करेंगे। वैसे हम कहीं भी सो जाते हैं, हम लोग का ऐसा कुछ है नहीं। और मैं ज़्यादातर इसी एरिया में रहता हूँ, मैं इसी सोफे पे रहता हूँ, सोफा बेचारा थोड़ा सा दब गया है, बीवी गुस्सा करती रहती है, तुमने सोफा खराब कर दिया है। और अगर आप देख रहे हैं घर आज थोड़ा सा सही चमक रहा है, तो समझ जाना भाइयों मैंने बहुत सफाई की है घर की, पूरा लग करके मैंने पूरा झाड़ू पोछा लगाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो जो अगर कोई भाई मैरिड वेड देख रहा हो तो समझ जाना भाई, दर्द को पूरा संभाल समझना, ठीक है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, इनकी बातें मत सुनो, ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं। ये हमारा अल्फ्रेस्को का एरिया, मैं कैमरा उधर की तरफ स्विच करता हूँ। फ्रेंड्स ये खुल जाती है ऑलमोस्ट पूरी, देखिए, और ये ब्लाइंड, ये बहुत अच्छी लगी थी ब्लाइंड पर्सनली।
तो ये लगभग पूरी खुल जाती है, सो यू कैन मैनेज कि जब ज़्यादा गेस्ट हों तो आप उसे खोल के सोफे को भी टर्न कर सकते हैं। और ये हमने जो है यहाँ पे डेकिंग लगाई है, और ये जो घास है यहाँ पर ये पूरी आर्टिफिशियल है, लेकिन जो इसका कलर है थिकनेस है वो बहुत अच्छी है। जब फ्रेंड्स आते हैं कभी कभी, अब गर्मियाँ इस बार तो इतनी पड़ी नहीं है, नहीं तो हम कोशिश करते हैं अपना बाहर ही बैठे थोड़ा सा। ये कपड़े सुखाने के लिए है ये वाला एरिया, जो कभी नहीं सूखते, मशीन में सूखते और ड्रायर में सूख जाते हैं। और ये जैसे आप देख रहे हैं लाइटें अभी भी चल रही हैं दिवाली की, वी लव लाइट्स। ये कैमरा लगाना पड़ता है जी सिक्योरिटी के लिए, घर में कैमरे एंड अलार्म्स। तो ये है पूरा एक साइड का व्यू आप देख रहे हैं। अभी बहुत सारे प्लांट्स लगाने हैं, बहुत सारे, अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है तो सारे में प्लांट्स लगाने हैं फ्रेंड्स, बड़े बड़े गुलाब। ये वाला जो है जी अदर साइड ऑफ द एरिया, ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये है हॉट वाटर सिस्टम। ये थोड़ा सोलर से थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है ताकि जो घर में गर्म पानी आता है वो डायरेक्ट यहीं से सब इसी से सप्लाई होता है। सो फ्रेंड्स ये है मिर्च के पेड़, मुझे चाहिए थे तो मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट और मेरी छोटी सिस्टर उसने मुझे ये दिए हैं दोनों, अंकल आंटी ने हार्ड वर्क किया तो ये चिली के पेड़ दिए सैंडी ने मुझे। थोड़ा सा पुदीना लगाया उधर, यू कैन सी इवन हियर। यहाँ पर आप ये जो हमने जो है गार्डन बेड है ना, थोड़ा बहुत जैसे धनिया पुदीना यहाँ पर उसमें लगा लेते हैं कभी कभी टाइम मिल जाता है तो। बाकी तो ये सब अब इसको काम ऐसा कर दिया कि डन, कम से कम काम करना पड़े बाहर, मेंटेनेंस कम से कम करना पड़े। तो घास बहुत हो जाती थी पहले इसमें, और जंगली घास उनको बस केमिकल डाल के मारते रहो, अभी क्या है थोड़ा सब ठीक रहता है। और यहाँ बच्चे अपना शाम को या गर्मी के टाइम पर अपना खेलते रहते हैं, ये अपना चलाता रहता है छोटा वाला। उसके बर्थडे पे दी थी मैंने इसकी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो, अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो जी बैक टू इनसाइड, दोस्तों आपको गैराज दिखाया था अंदर से, जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है वेंडी ब्यूटी सलोन में, क्योंकि वाइफ का नाम वेंडी है तो वंदना है तो यहाँ पर लोग उसको वेंडी के नाम से बुलाते हैं। और ये हमारी गाड़ी, ये जो है बेसिकली डबल गैराज है वैसे तो, लेकिन अब इसमें हम गाड़ी पार्क नहीं करते हैं क्योंकि हमने जो शीशे का दरवाज़ा लगाया था इसके ऐसे नीचे ये फ्रेम है, गाड़ी अंदर करना मुश्किल है। तो जी ये है मेकअप एरिया, इसके जो अंदर है गार्डन के अंदर ये ट्रीटमेंट एरिया है। बाकी हमने यहाँ पर भी सोफे वगैरह डाल दिए हैं ताकि कोई आए बैठे रह सके। यह मसाज चेयर रखी हुई है इसके ऊपर, मसाज भी कर लें। एक एसी भी लगवाया है क्लाइंट्स के लिए ताकि यहाँ पर सर्दी पड़ती है तो बहुत हीटर बहुत कंपलसरी है, तो और गर्मी है तो बहुत गर्मी हो जाती है। तो रिवर्स साइकिल वाला है, हीटिंग कूलिंग दोनों है, वो भी लगाया है। ये एक हमने अलमारी बना दी यहाँ पे ताकि जो भी सामान हमारा एक्स्ट्रा उसमें आ जाए। दोस्तों एक काउच भी है ताकि अगर क्लाइंट सर कोई साथ में आए तो यहाँ बैठ करके वेट कर सकें, और बच्चे हैं तो यहाँ पर पे अपना खेल सकें, वो बच्चे भी थोड़ी देर बोर ना हो यहाँ पे कुछ ना कुछ खेल लें। और बाकी थोड़ा सा स्टोरेज का एरिया भी है, थोड़ा सामान भी रखा हुआ है। एज यू नो गाइस, हम इंडियंस को जितनी भी जगह दो कम पड़ जाती है, कुछ ना कुछ हम स्टोर कर ही देते हैं वहाँ पे, है ना जी। सो दोस्तों यहाँ पर जब घर देते हैं बिल्डर हम लोगों को बनाने के बाद, वो जनरली जो आप डक्ट देख रहे हैं इसमें जो हीटिंग सिस्टम है ऑलरेडी लगा हुआ होता है, सेंट्रल हीटिंग होती है, कूलिंग भी जनरली सेंट्रल होती है, बट वो हमने ली नहीं है। हमने बोलता नहीं हमको सेंट्रल वाली नहीं चाहिए क्योंकि वो पूरे घर की चलती रहती है, तो इसलिए हमने जो आप देख रहे हैं स्प्लिट ए सी वहाँ पर हमने कुछ कमरों में इसी तरह की ली हुई है स्प्लिट, की जहाँ ज़रूरत है जहाँ लेटे हैं वहीं पर चलानी हो तो उसको हम ऑन कर सकें, उसी एरिया को अपना कूल कर सकें पूरे घर की ना चला करके। और जो दोस्तों ये जो आप घर का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन का नाम है पियरमोंट 29। ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6 मंथ की रिसर्च करी थी, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक बिल्डर है, हम जो इंडियंस हैं उसको प्रोनाउंस करते हैं कार्लीज होम्स, और जो ऑजियों को प्रोनाउंस करते हैं कार्लाइल होम्स। तो हमने इस कार्लीज होम्स से जो ये वाला घर है उनसे बनवाया था, उन्होंने बनाया था, और एज पर द फर्स्ट होम बायर उन्होंने हमारे बहुत अच्छे से कस्टमर सर्विस दी, बहुत अच्छे से उन्होंने जो है पूरा जो क्वालिटी है घर के एक सामान की फिनिशिंग है उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। तो अगर
जो लोग ऑस्ट्रेलिया में अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप लोग कार लीज से घर बनवाना चाह रहे हैं तो जरूर जाइएगा। उनका जो रिव्यू है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बिल्डर हैं और फर्स्ट होम बायर के हिसाब से वो आपको पूरी अच्छी कस्टमर सर्विस देंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी टिप थी आपको दोस्तों। और इसके अलावा भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो होपफुली यू लव द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे घर का एक छोटा सा टूर और होपफुली आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। अगर प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग कोई टिप्स पूछना चाहते हो कोई डेकोरेशन से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट में जरूर पूछिएगा, वंदना जी उसको आंसर करेंगी। यस, कुछ भी आपको पसंद आया, कहाँ से क्या लिया है, मैं आपको बता दूंगी। इनबॉक्स में आप बस बता दीजिएगा व्हाट यू नीड। तो दोस्तों, आप जो अगली वीडियो मैं डालूंगा उसमें जो भी हमारे घर के जो चेंजेस हैं, जैसे वो कर्टन है, इस सोफे के जो अभी कलर हैं, ये हमें थोड़ा सा चेंज करना है, वो सब करके मैं उसको दोबारा से एक छोटी सी क्लिप बना के डालूंगा बिफोर एंड आफ्टर की। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, और जो लोग नए हैं प्लीज वंस अगेन रिक्वेस्ट यू गाइज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑलराइट फ्रेंड, सी यू सून, नमस्कार, जय हिंद, सी यू।